जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ, क्योंकि आज एक और नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये टेंटेटिव टाइमलाइन भी दिया गया है कि आप लोग का ये जो वैकेंसी है टेक्नीशियन का, ये कब आएगा और कितने पदों के लिए आएगा। तो यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और ये जो अपडेट किया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट जो है एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2024 दिया गया है, यानी कि 1/2024 कौन सा है, तो एएलपी का है, जहां पे 5696 पदों की वैकेंसी निकली है। छात्र उसके लिए प्रोटेस्ट भी किए लेकिन कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आप छात्र लगातार मांग करते रहिए, क्योंकि कोई चीज मांगने से ही सरकार समझती है चीजों को और ये देखती है। लेकिन आपको बता दें कि इस वैकेंसी को भी ज्यादा यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, मात्र 9000 पदों की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। लगभग यहाँ पे टोटल वैकेंसीज मिला के अब आपके पास 9-6 15 हजार के आसपास की वैकेंसी हो गई। ये कुछ घट बढ़ सकती है अभी वैकेंसीज, इसके बारे में अभी अपडेट है। अब जो इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, वो फरवरी 2024 में दे दिया जाएगा और इसके लिए आपसे फॉर्म भरा जाएगा मार्च अप्रैल में 2024 में, ठीक है। और आपके उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसका, ये शेड्यूल किया गया है आपका इन बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर। तो काफी लंबा समय मिल जाएगा जो भी टेक्नीशियन के छात्र हैं यहाँ पे, उनको अपनी तैयारी करने को लेकर। और यहाँ पे ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी योग्यता, सिलेबस, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सब कुछ जानकारी दूंगा यहाँ से। तो शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, कब, तो फरवरी 2025 में। यानी कि ये प्रक्रिया अभी निकलेगी, फरवरी 2024 में इस वैकेंसी को निकाला जाएगा और 2025 में इसका सारा प्रोसेस एंड होगा। तो पूरा 1 साल लगने जा रहा है इस प्रोसेस में, लेकिन इसी बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अब मैं उन सभी छात्रों को कहना चाहूंगा जो छात्र टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं या कर रहेंगे, उनके लिए कि आप पढ़ना तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ने की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये बहाली होगी और इसका जल्द ही ज्वाइनिंग भी करवाया जाएगा। अगले साल फरवरी तक आप नौकरी में हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट करके आपको अपडेट भी किया जाएगा। फीस वगैरह आपको बता दूं कि ₹500 आपसे चार्ज किया जाएगा, लेकिन आपका ₹400 रिटर्न भी कर दिया जाएगा एज पर द गाइडलाइन, जैसे कि अभी एएलपी का नोटिफिकेशन भी दिया गया था। एज क्राइटेरिया देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि ये पुराना नोटिफिकेशन है 2018 वाला है ना, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आपका एज नोटिफिकेशन दिया गया था कि आप 18 से लेकर जो 28 साल तक के छात्र हैं वही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि एएलपी के नोटिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पे 3 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया गया है, तो अभी जितने भी छात्र हैं 18 से लेकर 33 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं एएलपी में, क्योंकि वहाँ पे 30 साल रहता है, तो यहाँ पे 3 साल का रिलेक्शन मिला है। उसी तरह आपको यहाँ पे टेक्नीशियन में भी 3 साल का छूट लगभग मिलेगा, तो 18 से लेकर 33 साल इसको भी किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि ये 31 साल किया जाए। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल अपडेट आने पे। बाकी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें ये आप ईयर जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल छात्रों का उठ रहा था कि सर इसका जो एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो देखिए 12th के कक्षा के आधार पर यह वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन चूंकि टेक्नीशियन का पोस्ट है तो टेक्नीशियन वाले कुछ टर्म्स भी जुड़े हैं यहाँ पे। तो आइए मैं उसके रिगार्डिंग आपको इसका नोटिफिकेशन दिखलाता हूँ दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पैरा नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा, जो कि पुराना नोटिफिकेशन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, है ना, ये 2018 वाला नोटिफिकेशन है। तो कैंडिडेट शुड हैव द एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेट नोटिफाई द सीएन, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या है नोटिफिकेशन में यहाँ पे, तो डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट एक्सेप्टेड। तो टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है पहले, उन डिप्लोमा और डिग्री वाले छात्रों को एलिजिबल नहीं किया गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप आईटीआई को अलाउ किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस जो हो किया है छात्र, जैसे ग्रेजुएशन के आधार पर अप्रेंटिसशिप करते हैं, वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जो 12th के बाद अपना अप्रेंटिसशिप किए हैं, आईटीआई किए हैं, वो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, यानी कि 12th के बाद वाले छात्रों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा इसमें फॉर्म भरने को लेकर। तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ पे इसको। और यहाँ पे देखिएगा तो नीचे फीस वगैरह के बारे में भी मेंशन किया गया है, जो जनरल छात्र हैं उनसे ₹500 फीस लिया जाएगा, एससी एसटी हैं तो आप, या पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी के छात्र हैं या महिला हैं तो आपसे ₹250 चार्ज किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये आपको रिफंड किया जाएगा जब आप सीबीटी एग्जाम में बैठेंगे, तो है ना, ये रिफंड किया जाएगा इसमें से ₹400 आपको। तो आपको जो है आपको जब बैठना होगा अपियर होना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा फिर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को पैरा नंबर 13 पढ़ना होगा इसमें, है ना,
और इसमें जो है पहले एएलपी और टेक्नीशियन साथ में वैकेंसी आई हुई थी, जो कि लगभग 60,000 के पदों की वैकेंसी दी गई थी, लेकिन इस बार ये वैकेंसी को अलग कर दिया गया। वैकेंसी तो बहुत कम कर दिया गया वैसे भी, है ना, पर ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम लगातार हर साल अब आपको वैकेंसीज देंगे, ये प्रॉमिस कर रही है, लेकिन अब पता नहीं ये वैकेंसीज आएगी नहीं आएगी, और ये आगे की सोचना है। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक टेंटेटिव जो है ना सीबीटी टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि पहला आपका टेस्ट होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद एक सेकेंड फेज होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, और फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो चार फेज है यहाँ पे इस परीक्षा को पास करने को लेकर। फर्स्ट फेज की बात कर लूँ, यानी एग्जाम पैटर्न में आते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो आप लोग पैरा नंबर 31 पढ़िएगा, 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये कॉमन फॉर द एएलपी और टेक्नीशियन के लिए था, तो ये एएलपी वाले भी छात्र इसको देख लेंगे और टेक्नीशियन वाले भी, जो कि आपका इसमें से 75 में से 40% जनरल कैटेगरी को लेकर आना था, क्वालिफाई को लेकर। 60 मिनट का एग्जाम होगा, ओबीसी को 30%, एससी को 30 और एसटी को 25% लेकर आना था इस एग्जाम को पास करने के लिए। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्र हैं उनको 2% का एक्स्ट्रा छूट इनके द्वारा मिलेगा। खैर, ये फर्स्ट है जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों, आपको बता दें कि ये सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स क्या क्या पूछा जाएगा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, मैथमेटिक्स क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, जनरल साइंस से क्या पूछा जाएगा, और जनरल करेंट अफेयर से क्या पूछा जाएगा। ये चार टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान से सिलेबस है इसके, है ना, बिल्कुल 10th लेवल का ये पूरा सिलेबस है। अगर आप देखेंगे इसका सिलेबस तो जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसी को लेकर तैयारी करना है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसा कि रेलवे भी बोल चुकी है पहले, जनरल साइंस में भी आपका जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का 10th स्टैंडर्ड का वही पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस की बात कर ले करंट अफेयर का, तो जो मेन करंट अफेयर का आपका सेशन चलता है साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कल्चर, है ना, स्ट्रैटेजी के पढ़ना है, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर पढ़ना है, पॉलिटिकल करंट अफेयर पढ़ना है, ना, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जनरल करंट अफेयर में, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। इसके बाद सेकेंड सीबीटी आपका एग्जाम होगा, इस एग्जाम का भी आपका जो पैटर्न होगा वो 90 मिनट का होगा, और यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इसमें दो पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी करके। अब पार्ट ए में जो होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस से संबंधित होगा। और जो पार्ट बी होगा ये आपके जो संबंधित होगा आपके क्वालिफिकेशन से, मतलब कि 75 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स 35 लेकर आना है आपको कम से कम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है जो आपका रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आईटीआई ट्रेड से, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है उससे संबंधित होगा, 3+2 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है ये ट्रेड है वो सारे, जो कि आप लोगों ने ट्रेड यहाँ से किया होगा और इस ट्रेड में से रिलेटेड करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गया स्टेज टू। फिर उसके बाद आपका डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अभी से रखिएगा, इसके बारे में एक रिलेटेड वीडियो में बना के दे दूंगा आपको। हाउ टू अप्लाई, अब ये अप्लाई कैसे करना है ये तो आपको मैं बताऊंगा जब इसका फॉर्म आएगा, फॉर्म कब से आएगा तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ऑनलाइन सबमिशन जो होगा इसका मार्च अप्रैल में किया जाएगा। तो ये तो हो गया सारा जानकारी दोस्तों, एज क्राइटेरिया को लेकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर और सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर हमने आपको बता दिया। फिर आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा लास्ट में, स्किल टेस्ट साइको हो सकता है आपका यहाँ पे, तो स्किल टेस्ट लेने के बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट में आपका आई चेक किया जाएगा, है ना, आंख वगैरह चेक किया जाता है, और मेनली वही है मेडिकल टेस्ट इसको कहते हैं, और स्किल टेस्ट जो होगा सीबीएटी करके होता है ना, तो वो टेस्ट आपका होगा यहाँ पे। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, और इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चयन की प्रक्रिया है, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से तो सब कुछ लगभग बता ही दिया है, संपूर्ण जानकारी आपको दे ही दिया, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, प्लीज वीडियो को शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।